बैग नहीं मिल रहा, भीड़ लगी तो चाय पी ले और क्या करें। जैसे चाय पी रही ना, एग्जाम कैसा भी उससे क्या है। जैसा कि अभी सीटेट का जूनियर लेवल का एग्जाम छूटने वाला है, अभी कुछ लोग निकलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या लेवल रहा था। जैसा कि अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, अभी हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या कुछ नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन से सारी चीजें हम लोग देखेंगे। पैडोलॉजी अच्छी थी, साइंस भी अच्छी थी, मैथ भी अच्छी थी, संस्कृत बहुत टफ थी। अच्छा, तो कितने कितने सही हो जाएंगे लगभग? क्या सही हो जाएंगे पता नहीं, वो रिजल्ट आने पे पता चलेगा। नहीं तभी तो पता लग जाता ना कि हाँ हमारा इतना सही होगा 100%, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता ना। अभी सर कुछ कर अभी कुछ नहीं, सबसे बेकार आई थी। अच्छा, बेकार आई थी, संस्कृत बहुत ही बेकार। अच्छी कैसी होती है? बेकार तो नहीं, कठिन सुना तो सरल सुना। बहुत कठिन आई थी। अच्छा, और सोशल साइंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे दिए गए थे। टफ थी, और इवनिंग टाइम पेपर अच्छा था लेकिन संस्कृत बहुत टफ थी मॉर्निंग टाइम की भी। आप लोग बताइए, आप लोग कैसा क्या हुआ? आप लोग कैसा हुआ पेपर आप लोगों का? सेकंड पेपर टफ था। टफ था पेपर? तो जो पी वाई क्यू थे वो आए थे कि नहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन? नहीं 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 आए थे। नहीं आए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन? नहीं आ रहे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैथ वगैरह कैसी है? जो मैथ में कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव वैसे आ रहे हैं न्यूमेरिकल वाले? मैथ तो सरल थी लेकिन ज्यामिति थोड़ी टफ थी। अच्छा, ज्यामिति टफ थी। अच्छा अच्छा। उसमें मतलब जो सी डी पी होती कैसी आई थी? सी डी पी सरल थी। पैडागॉजी? पैडागॉजी संस्कृत की थोड़ी टफ थी, बाकी सरल थे। सुबह भी संस्कृत? नहीं, सुबह की संस्कृत इजी थी, अभी की संस्कृत टफ है। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? लेकिन जब पढ़ते तो पहले के देखते ना हम लोग, प्रैक्टिस करते तो उसके वाइडोस्की का आया था, वेनिले का आया था, कोलरबर्ग का आया था, सब क्वेश्चन आया था। आपका कैसा हुआ? अच्छा हुआ। तो कितने सही हो गए होंगे? लगभग हो गए होंगे भाई 90+। 90+ तो है। आप लोग यूट्यूबर है ना? हाँ, तभी तो है आए। न्यूज़ वाले तो नहीं है ना? न्यूज़ बेटर आएगी टीवी में देखना, सर्च करना। कौन से न्यूज़ पे आएगी ये सर्च करना बेटा, अच्छा आएगी आपकी जीडी ये बेटा लिख लो, तो सर्च करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। लोग तैयारी भी कराते चैनल से देख सकते क्लास भाई। TEXT आप लोगों कैसा हुआ पेपर? आप तो बताइए आप लोग कैसा, बढ़िया हुआ? कुछ बताएं कुछ कैसा पेपर था, कैसा टफ आया, कुछ सरल आया, कुछ ऐसा है पता? नॉर्मल था, ठीक था पेपर। अच्छा, अच्छा। मैंने सेकंड टाइम दिया था। क्वेश्चन याद है? वो क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन तो नहीं याद है। अच्छा अच्छा। आपने एग्जाम दिया था? आपका कैसा हुआ पेपर? बढ़िया। कुछ याद हो क्वेश्चन वगैरह याद हो बताइए। काफी सारे क्वेश्चन अधिगम वगैरह से तो याद है, क्वेश्चन और संस्कृत वगैरह कुछ बहुत ज्यादा। मैथ साइंस ठीक थी। पैडागॉजी कैसी आ रही वैसे? सही थी। सीडीपी अच्छी थी, दोनों ही अच्छे थे। कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे लगभग? अब ये तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है। पास हो जाएंगे ना देखो। अच्छा, कोई बात, याद करने वाले ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि पूछे जा रहे हैं? हाँ, मतलब 50% लगभग मैच हो रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब मैच हो रहा है। तो और बताइए आपको, मतलब क्या कुछ जो एग्जाम देने आ रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे क्या पढ़ना चाहिए? देखो, इसमें सीटेट में तो ज़्यादातर फोकस पैडोलॉजी में ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रटन थे और मतलब ज़्यादातर फोकस उसी में हो रहा है जो बच्चे मतलब भाषाई चिंतन के बारे में पढ़ रहे हैं। सीडीपी कैसी आ रही है? आप लोग एग्जाम में क्या है? वैसे तो पेपर का स्तर मीडियम ही है, कोई विशेष हार्ड नहीं है। पूरे किए? अच्छा, ये सीडीपी वगैरह कैसी आ रही है? सीडीपी तो बहुत अच्छी आई थी। मतलब जैसे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वही पूछे जा रहे हैं कि थोड़े नए क्वेश्चन भी आ रहे हैं? नहीं, हमेशा तो वही नहीं आएंगे ना, कुछ नए भी हैं, कुछ प्रीवियस ईयर भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप बताइए आपने क्या था वो पेपर? देखिए ये मैथ का पेपर बहुत टफ आया था, बहुत ज्यादा ही कुछ। और तो मैथ वाला कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए होंगे? हाँ, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए थे, लगभग होंगे 30 के समथिंग। अच्छा, 30 समथिंग? नहीं सॉरी, 30 नहीं होंगे, 15। चतुर्भुज वगैरह क्वेश्चन आ रहे मैथ में? चतुर्भुज थे? हाँ नहीं, चतुर्भुज से नहीं आया था, त्रिभुज से भी नहीं आया था, आयत से आया था आपका, आयत का। और मैं बताऊँ? नहीं नहीं।
ले लिया हम लोगों ने ले लिया। अच्छा, और लिख के ला रहे थे अलग पता नहीं लिख के नहीं अरे सॉल्व किए थे ना उससे कुछ जमा हो जाता है। हाँ वो जमा सबमिट हो गया। पेडोलॉजी अच्छी थी वही सेम थी कोई बच्चों क्या ध्यान देना चाहिए जो एग्जाम देने वाले हैं उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए किस तरीके के पेपर क्या आ रहा है एग्जाम के लिए वही है कि प्रीवियस ईयर्स के लिए फिर कहूँगी अच्छे से प्रिपरेशन करिए उसके लिए और वही बहुत ज़्यादा मतलब एनसीईआरटी पे कुछ भी नहीं आ रहा आपकी बार है और जो आपका क्या बोलते हैं साइंस में है ना तो साइंस में भी आपके ये बिलियन वगैरह से पूछा गया है और विटामिन सी इसके बारे में पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछा गया है मतलब कार्बोहाइड्रेट किससे ज़्यादा बढ़ता है इस चीज़ से पूछा। जूनियर प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हो कुछ है? हाँ मैथ में थे कुछ इस कुछ क्वेश्चन ऐसे कि जो अमूर्त मतलब धारणाओं से वो कुछ क्वेश्चन थे उससे भी। और राइटरों वगैरह से जो उनकी क्या कर वो देते हैं सिद्धांत वगैरह से आए संबंध नहीं थे कुछ नहीं आया। अच्छा, पेपर बहुत अलग ही आया जो मतलब पहले पेपर आता था ना वो उस टाइप का पेपर नहीं था उन्होंने कराने मतलब वो अपनी लैंग्वेज में दे रहे हैं क्वेश्चन सब अलग है पहले से तो ठीक है थैंक यू। बैग नहीं मिल रहा भीड़ लगी तो चाय पी ले और क्या कर रहे हो लग रहा दिख रहा है आपका पेपर अच्छा हुआ लग रहा मतलब अपना फ्री है बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है अगर तो चाय पीना पीने या ना पीने से क्या फर्क पड़ेगा मेरा पहले से है वैलिड। अच्छा हो चुका पहले तो चाय पे चर्चा हमें करनी चाहिए वैसे कैसा पेपर रहा क्या रहा ठीक ही रहा ठीक ही रहा क्या बताइए आगे नहीं ठीक है कुछ याद है कुछ क्वेश्चन कुछ याद है आप लोगों को अरे हम ये कह रहे हैं वो तो सर्दी की वजह से चाय पी रही ना एग्जाम कैसा भी उससे क्या है होता ना पेपर बिगड़ता तो लोग चाय ऐसा अच्छी नहीं लगती ना आती है जब पेपर अच्छा होता चुटकी लेते सब लोग वैसे कैसा पेपर हुआ पेपर अच्छा हुआ। अच्छा ठीक है कितने क्वेश्चन लगभग सही हो गए होंगे आपका हो जाएगा भैया हाँ उम्मीद तो है हो जाएगा तो पेडोलॉजी सही है ना संस्कृत बहुत टफ लग रही थी और तो ठीक था सभी लोग बता रहे बहुत टफ संस्कृत बहुत टफ थी तो वैसे आप लोग कहाँ से कानपुर से कि बाहर से नहीं कानपुर यहीं से अच्छा अच्छा लोकल नहीं है ठीक थैंक यू।